अलादीन अब तक घर नहीं आया। कितनी रात हो गई, अलादीन कहाँ रहेंगे? हम इतनी रात गए, उसे ढूंढने के लिए मदद मांगूंगी तो किससे? काश अलादीन के अब्बू होते यहाँ। मेरे अकल के जादूगर आका, वाकई बादशाह सलामत अब नहीं रहे, या ये कोई मेरी आंखों का धोखा है? ये धोखा नहीं बल्कि एक खूबसूरत हकीकत है अंगूठी के जिंद। आपका दिमाग मेरे पेट की तरह बड़ा है और आपके इरादे मेरे सीने की तरह मजबूत। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने इन सभी इंसानों का दिमाग आप ही को फरमाया है। बेहतरीन बेहतरीन। लेकिन आका, अगर बादशाह सलामत को मारना ही था तो ये काम तो हम बहुत पहले कर सकते थे। आपने इतना इंतजार क्यों किया? इंतजार क्योंकि बादशाह सलामत को मारना हमारी असली मंजिल नहीं थी, बल्कि हमारी असली मंजिल तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी थी। हम जानते थे कि बगदाद का बादशाह बनने के लिए हमें 3 चालें चलनी पड़ेंगी। पहली, बादशाह सलामत का कत्ल हुआ जिसके छींटे पड़ेंगे अलादीन के दामन पर। दूसरी, आवाम का गुस्सा, ये जानने के बाद कि उनके चहीते बादशाह सलामत की मौत का जिम्मेदार उन्हीं का चहीता अलादीन काला चोर है जिसे वो अपना मसीहा मानते थे, उसे नफरत करेंगे। फिर आएगी तीसरी और आखिरी चाल। शहजादी यास्मीन उनकी नफरत ना वालिद साथ होंगे ना मोहब्बत। बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। तब उसी वक्त हम उनका सहारा बनकर उनका दिल जीतेंगे और फिर उन पर और बगदाद पर हम हुकूमत करेंगे। हुकूमत, वाह का वाह, क्या तरकीब लगाई है, क्या अक लगाई है, क्या खेल खेला है। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन तुम एक अहम बात जानते हो, कोई भी जंग जीतने के लिए सही घोड़ा होना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई भी जंग में सही घोड़ा होना बहुत जरूरी होता है, और हमें हमारी इस जंग में हमारे घोड़े ने बेहतरीन साथ दिया, हमारे काम आया हमारा प्यारा सा चिराग का जिन। और फिर हमने अलादीन को एक ऐसी तलाश में लगा दिया तो तलाश कभी खत्म ही ना हो। फिर हमने उसे इस बात का यकीन दिलाया कि उसका भाई जीनू
उसे मिल सकता है। उसे एक ऐसे रास्ते पे चलाया जिसकी मंजिल हमने बहुत पहले ही तय कर ली थी। मेरे अकल के जादूगर आका, आज आप कुछ ज्यादा ही अकल की बातें कर रहे हैं, है ना? जरा तफसील से समझाइए। हम तुम्हें ठीक से समझाते हैं। अच्छा चलो, सबसे पहले अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके हमें वो सारे नजारे दिखाओ। हम भी एक मर्तबा उन असीम लम्हों को दोबारा जीना चाहते हैं। बेशक काका, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। क्या का? सबसे पहले चिराग के जिन ने कांच के टुकड़ों में अलादीन को परचम वाला घर दिखाया। शायद ही जीनू का अगला इशारा है। और उसे इस बात का यकीन दिलाया कि उसका भाई जीनू उसे वहीं मिलेगा। और वो बेवकूफ उलझ गया उसकी तलाश में। उस घर में जाने के बाद उसे धूप कड़ी मिली। शाही निशान जो उसे वापस महल ले आए। जिस बात से उसे यकीन हुआ कि अगर उसे जादुई चिराग मिल गया तो उसे अपना खोया हुआ जीनू भी मिल जाएगा। फिर वो निकला तलाश पर, जादुई चिराग की तलाश पर। हमारी चालों में फंसकर वो उस कमरे तक जा पहुंचा जहां एक नहीं बल्कि कई सारे नकली चिराग उसका इंतजार कर रहे थे। बेचारा इस कदर उलझ गया असली चिराग को ढूंढने के चक्कर में कि वो भूल ही गया कि कब बादशाह सलामत और हम वहां पहुंच गए। और फिर हमने उसे वही नाम से पुकारा, काला चोर। बादशाह सलामत ये काला चोर है। हमें पता था उसे ये बात खटकेगी और वही हुआ और हम उसके शक के दायरे में आ गए। और उसी वक्त बादशाह सलामत ने यह हुक्म जारी किया कि अलादीन को गिरफ्तार कर लिया जाए। उस गुनहगार को आप कल हथकड़ियों में जकड़कर हमारे दरबार में लेकर आएंगे। अब अलादीन हमारी जासूसी करने के लिए खुफिया कमरे तक पहुंच गया। अब उसका शक और पुख्ता करने के लिए हमने उसे यकीन दिलाया कि उस कमरे पर जिन्नात का पहरा है। ये जरूर जिनके जादू से बनाया गया है। अब हमारे कहने पर चिराग का जिन उसके सामने गया तो उसने चिराग के जिन से पूछा, इसके अंदर सच में जादुई चिराग है? चिराग के जिन ने उसकी बातों में आने का नाटक किया और फिर उसे यकीन हो गया कि जरूर उस कमरे में कुछ ना कुछ है। फिर हमने बादशाह सलामत से कहा कि अलादीन अच्छा लड़का है और वो शहजादी यास्मीन की पसंद पर गौर फरमाए। आपको उस लड़के से एक मर्तबा मिल लेना चाहिए, शहजादी को भी ये बात पसंद आएगी। फिर हमारा प्यारा अलादीन शहजादी यास्मीन को लेकर खुफिया कमरे तक पहुंच गए जहां हमारे अजीज चिराग के जिन ने उन्हें अंदर आने की इजाजत दी और वहां उन्हें मुच्छड़ का लिबास दिखाई दिया ताकि उसे इस बात का यकीन हो जाए कि हमारा और मुच्छड़ का कोई ताल्लुक है। फिर हमने गुलबदन को अपना मोहरा बनाया। जानते थे वो बेवकूफ गलती जरूर करेगा, इसीलिए हमने उस बेवकूफ को वो शमशेर लेकर अलादीन के घर पर जाने को उसी वक्त अलादीन ने उसे देखा और उसका पीछा किया।
और तब तो उसने एक तरकीब सोची। हमें मुछड़ का पर्दाफाश करना है तो हमें एक छोटा सा खेल खेलना होगा जिसमें तुम बनोगी शहजादी यास्मीन। फिर अलादीन गुलबदन को शहजादी यास्मीन के पास ले गया और गुलबदन ने वो सब कुछ बताया जो हम बताना चाहते थे। वजीर आला ने मुझे तलवार दी है। वजीर आला उस तलवार का इस्तेमाल चांद ग्रहण की नाक को करने वाले हैं। आगे भी वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे। उस काली रात वाले दिन शहजादी यास्मीन ने गुलबदन को उस शमशीर को खुफिया कमरे में रखते हुए देख लिया। हमें ये सब अभी के अभी अलादीन को बताना होगा। फिर हमने बादशाह सलामत से कहा कि आप एक मर्तबा अलादीन को आम आदमी के लिबास में मिल ले। तो वजीर आला हमें आम इंसान बनाने के सारे इंतजाम अब आपको करने होंगे। शहजादी यास्मीन ने अलादीन को बताया कि वो शमशीर रखने के लिए गुलबदन खुफिया कमरे में गया है। शहजादी यास्मीन को महफूज रखने के लिए उस बेवकूफ अलादीन ने उन्हें बेहोश कर दिया। पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है जो मुझे हरगिज मंजूर नहीं। और काली रात होने से पहले पहुंच गया उस खुफिया कमरे में। यही उस आशिक की सबसे बड़ी गलती थी। पहला झटका अलादीन को तब मिला जब उसे पता चला कि बादशाह सलामत ही मुच्छड़ हैं। बादशाह सलामत। दूसरा झटका जब बादशाह सलामत को पता चला अलादीन ही काला चोर है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। फिर अंगूठी के जिन ने बादशाह सलामत को काबू में कर लिया। हम ही मुच्छड़ हैं। और उनसे वो सारे गुनाह कबूल करवाए जो मुच्छड़ ने खुद किए थे। हमने नासिर उमर को फंसाया, उसका यानी तुम्हारा घर उजाड़ दिया और उसे इतना गुस्सा दिलाया कि वो बादशाह सलामत यानी अंगूठी के जिन ने अलादीन को हमारे बताने के मुताबिक उस कमरे तक ले पहुंचा जहां इस बाजी की आखिरी चाल को खेला जाना था। वे हम सही वक्त पर शहजादी को लेकर वहां पहुंच गए ताकि वो देख पाए जो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं। मरहूम बादशाह सलामत। और खून में डूबी हुई शमशीर लिया हुआ अलादीन। उसके आगे क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। यकीन करो और तैयार हो जाओ क्योंकि अब जो कुछ भी करना है वो तुम्हें करना है अंगूठी के जिन। क्योंकि कल की सुबह लोगों के लिए गम का अंधेरा लेकर आएगी लेकिन हमारे लिए कामयाबी की चमक। हुकूमत होगी बादशाह सफर। बेहतरीन।